हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे हम आपके बैंकिंग को आसान बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवाने से रिलेटेड इतना इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि ये काम आसानी से आप करवा पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपका जानने वाला बात यह है कि कोटक महिंद्रा के पास ऑनलाइन मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवाने का प्रोसेस पहले अवेलेबल था, लेकिन अभी कुछ टाइम से उस सर्विस को बंद कर दिया गया है। यानी कि अभी के टाइम के लिए आप ऑनलाइन अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज नहीं करवा पाएंगे। अगर ये सर्विस फ्यूचर में फिर से एक्टिवेट किया जाएगा तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में आपको बता देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको कमेंट करके बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी के टाइम में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवा पाएंगे, और वो है अपने ब्रांच में जाकर ये काम करवाना। ये काम भी बहुत ही आसान है, और इसके लिए आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स लेकर अपने ब्रांच में विजिट करना रहता है। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ के एम्प्लॉयज कोटक महिंद्रा बैंक मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवाने का एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। एक आवश्यक सूचना, अगर आपको यह फॉर्म चाहिए तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना रहता है। चलिए, सबसे पहले हम आपको इस फॉर्म को दिखा देते हैं, उसके बाद उसको कैसे फिलअप करते हैं वो बताते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, यही वो फॉर्म है जिसकी सहायता से आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर या फिर चेंज करवा सकते हैं। इसको फिलअप करने के लिए सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको अपने ब्रांच का नाम लिख देना है, या उसके नीचे में आपको अपने बैंक अकाउंट का जो भी टाइप है उस टाइप के सामने के बॉक्स में टिक कर दें। नीचे में यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट का जो भी CRN नंबर है वो CRN नंबर लिख दें, और यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसके हिसाब से उसको टिक कर लें। यहाँ पे करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट के लिए यहाँ पे CASA में टिक करना है, और उसके सामने अपना कंप्लीट जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर है वो लिख देना है। इसके रजिस्टर में यहाँ पे आपको वो डेट मेंशन कर देना है जिस डेट में इस फॉर्म को आप अपने ब्रांच में जमा करेंगे। और नीचे में आते तो यहाँ पे आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम के फॉर्मेट में लिख देना है। और अब बारी आती है नीचे में यहाँ पे वो ऑप्शन ढूंढने की जिसकी सहायता से आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर भी चेंज करवाएंगे। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को आप टिक कर लें, और उसके सामने में आप अपना न्यू मोबाइल नंबर जो अब आगे के दिनों में अपने बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसको लिख दें। अगर आपको अपना ईमेल आईडी भी अपडेट करवाना है तो सेम ईमेल आईडी में टिक करके अपना ईमेल आईडी लिख दें, और यहां पे आप अपने बैंक अकाउंट में जैसा सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर कर दें। इसके बाद यहां पे आपको इसके सेकंड पेज में आ जाना है। सेकंड पेज में आके यहां पे कुछ भी ऑप्शन को टच नहीं करना है, डिक्लेरेशन के नीचे में ये सिग्नेचर कर देना है, और अगर ये बैंक अकाउंट ज्वाइंट बैंक अकाउंट है तो बाकी सब अकाउंट होल्डर्स का भी सिग्नेचर यहां पे होना जरूरी है। और इस तरह से ये फॉर्म फिलअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जब इस तरह से आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिलअप कर लेंगे तो इसको अपने ब्रांच में सबमिट कर दें। आपके इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद वहां के एम्प्लॉयज आपके न्यू मोबाइल नंबर को आपके बैंक अकाउंट के साथ 2 से 3 वर्किंग डेज में आसानी से अपडेट कर देंगे, और उसके बाद आसानी से आप अपने न्यू मोबाइल नंबर की सहायता से अपने बैंकिंग के सारे काम कर पाएंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।